कुर्ला पश्चिम के कपाड़िया नगर में हुई बीएमसी कॉन्ट्रैक्टर पर फायरिंग। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। सोमवार को बीते शाम में 7:55 पर एक ऐसी फायरिंग की घटना ने सभी को दहला दिया, जहां पर कुर्ला पश्चिम में स्थित कपाड़िया नगर पर ये जो है फायरिंग की घटना जो हुई थी। इस घटना में सूरज प्रताप सिंह देवरा, उम्र 32 वर्ष, ये महाड़ा के कॉन्ट्रैक्टर है। ये एल विभाग से अपना काम ख़त्म करके दहिसर रतन नगर अपने घर की ओर जा रहे थे, और इसी दरमियान उनके साथ में उनके एक दोस्त थे जिनका नाम प्रताप रमेश मनराल, उम्र 36 वर्ष, ये साथ में ही थे। और जैसे ही इनकी गाड़ी जो इनोवा कार थी वो कपाड़िया नगर पहुंची, और इसी दरमियान दो अज्ञात बाइक सवार आते हैं और फायरिंग की घटना को अंजाम देते हैं। जिस फायरिंग की घटना के बाद वो सीधा वाकोला पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और काफ़ी घबराए हुए रहते हैं, जिसके बाद पुलिस द्वारा कहा जाता है कि ये पूरा वारदात जो है वो कुर्ला क्षेत्र के अंदर हुआ है। तो कुर्ला पुलिस स्टेशन जो है इस मामले की आगे की जाँच करेगी। तो फिलहाल कुर्ला पुलिस स्टेशन ने इसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 307, 34 और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज करते हुए आरोपी को जो है शिनाख्त किया है, जिसकी पहचान समीर सावंत के रूप में हुई है। इस पूरे मामलात को लेकर जो सहायक पुलिस आयुक्त है गोविंद गंभीरे कुर्ला डिवीजन के, उन्होंने क्या जानकारी दी है मीडिया से बातचीत करते हुए, हम आपको वो सुनाते हैं। लेकिन एक मीडिया से उनके सोर्सेस ने बातचीत करते हुए कहा, जब सूरज प्रताप सिंह देवरा जो है उन्होंने वारदात को लेकर जब जानकारी दी थी, तो उन्होंने कहा कि आरे इन्फा कंपनी है जो उन्होंने 45 करोड़ रुपए का टेंडर लिया था, और इसी टेंडर को वापस लेने को लेकर अलग अलग तरीके से उन्हें धमकी मिल रही थी। और इसी धमकी के बीच जो काफ़ी सालों से महाड़ा में और ऐसे अलग अलग जगहों का कॉन्ट्रैक्ट लेते हो, उनके द्वारा अक्सर जो भी आकर के कोई भी व्यक्ति टेंडर अपने पास ले लेता है तो वो धमकी देते हैं, और ये कोई पहली बात नहीं है, ऐसे में अक्सर जो है होते रहा है। लेकिन इस 45 करोड़ के टेंडर ने सूरज प्रताप सिंह देवरा की जान को जोखिम में डाल दिया और उन पर जो है फायरिंग हो गई। फिलहाल पुलिस अब जो है आगे की इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन अब ये देखना है कि महाड़ा कॉन्ट्रैक्टर पर 45 करोड़ को लेकर के हुई जो फायरिंग है इसमें कितने लोगों का नाम जुड़ करके आता है। दहिसर में रहने वाले हैं सूरज प्रताप सिंह देवड़ा, ये बीएमसी और माढ़ा में निकलने वाले जो सार्वजनिक काम है जैसे फुटपाथ, ड्रेनेज, पाइपलाइन, ब्यूटिफिकेशन तो काम करते हैं। पिताजी से इनका ये कारोबार चालू है। कल सूरज और इनका दोस्त पंकज ये काम के सिलसिले में कुर्ला एल वार्ड ऑफिस में अपनी क्रिस्टा इनोवा कार से आए थे। वहाँ का काम खत्म करके वो दोनों सीएसटी रोड से कापड़िया नगर जाते टाइम अचानक दो व्यक्ति गाड़ी के सामने आया और उनमें से एक ने गाड़ी के ऊपर फायरिंग की, और उसके बाद सूरज वहां से वाकोला और वाकोला से इधर एफआईआर देने के लिए कुर्ला पुलिस स्टेशन आ गए। उनका कहना है कि बिजनेस राइवली के किसी ने उनके ऊपर फायरिंग की है और पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। कितने लोग थे ये कुछ बता पाए, वो लोग कितने लोग थे? इसमें दो लोग थे जिनका फिरियादी का कहना है। और कितना राउंड गोली चला था सर? एक गोली फायरिंग की है ऐसा वो फिरियादी बोल रहा है। क्या सूरज को इसमें किसी तरह कुछ नुकसान वगैरह हुआ? गाड़ी में एक फायरिंग किया है जो गाड़ी का नुकसान हुआ खाली, उनको कुछ लगा नहीं। तो इसमें क्या पुलिस अलग से टीम वगैरह भी बना के या फिर क्राइम ब्रांच मिलकर के जांच करेगी? ये पूरा ढोल फाइव का पुलिस अधिकारी और ऑफिस जो कर्मचारी है उनका अलग अलग टीम बनाया है, जैसा सीसीटीवी फुटेज, आरोपी और उसके बारे में हर एक को अपना अपना काम दिया है, और क्राइम ब्रांच भी अपनी तरफ से अलग इन्वेस्टिगेशन कर रही है। ऐसे तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें मुंबई टीवी। मैं अफजल शेख फिर हाजिर हूँ एक नई न्यूज़ के साथ।